हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे सात नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि द्रोणाचार पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं दूसरा प्रश्न था जंगल सत्तराग्रह किन लोगों के द्वारा चलाया गया था दो प्रश्नों का जवाब प्राची मिश्रा ने दिया है पहला आंसर है प्रशिक्षक को द्रोणाचार अवार्ड दिया जाता है यानी कि जो कोचेज होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है इसकी शुरुआत वर्ष उन्नीस में की गई थी यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को गुरु, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रमाण पत्र पारंपरिक पोशाक और अधिकतम पांच लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है वर्ष 2017 में इस राशि को सात लाख पांच हजार रुपये कर दिया गया था यह पुरस्कार युवा मामलों में खेल मंत्रालय के द्वारा सालाना दिया जाता है अब तक कुल 104 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है प्रथम श्रेणी में लाइफ टाइम के लिए दूसरी श्रेणी में नियमित के लिए दिया जाता है प्रथम प्राप्तकर्ता जो है इसके वो भालचंद भास्कर भागवत थे जिन्हें कुश्ती के लिए यह सम्मान दिया गया था ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के लिए दिया गया था ओ एम ने इनको एथलेटिक्स के लिए दिया गया था ये सबसे पहले द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता थे दो 2019 के लिए है पुरस्कार प्रथम बार मलखम्ब के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 40 वर्षीय उज्जैन निवासी योगेश मालवीय को दिया गया है इसके अलावा लाइफ टाइम के लिए धर्मेंद्र त्रिबारी के लिए पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए शिव सिंह मुक्केबाजी के लिए रमेश पथानिया हॉकी के लिए कृष्ण कुमार हड्डा हुडा कबड्डी के लिए विजय भालचंद मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए नरेश कुमार टेनिस के लिए ओम प्रकाश दाहिया कुश्ती के लिए नियमित श्रेणी के लिए जो दिया गया है वो एक जुड फेलेक्स सेवेस्टियन हॉकी के लिए जसपाल राणा निशानेबाजी के लिए कुलदीप कुमार होडू बुसू के लिए गौरव खन्ना बैडमिंटन के लिए ये प्रमुख जो अवार्ड है जो इस साल दिए गए हैं आगे अगर बात करें अगले प्रश्न की तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सत्याग्रह किए इसी से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में वर्ष उन्नीस में जंगल सत्याग्रह किया गया था इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी यानी कि बैतूल के आदिवासियों ने की थी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो जो है वो गंजन सिंह ने कंधे पर कंबल डालकर और हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु जंगल से बाहर आकर किया था यह सत्याग्रह बैतूल बंजारी ढाल छिंदवाड़ा ओरछा सिवनी टुलिया घुनाघरी तथा हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से दिखाई गया दिखाई दिया था इनमें अन्य नेता डीपी मिश्रा और लाला राम वाजपेयी आदि जैसे नेता थे तो ये प्रमुख इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी जंगल सत्याग्रह से संबंधित ठीक है और आज के लिए आपके जो प्रश्न हैं कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां, कहां पाई जाती है एक तो आपको ये कमेंट करके बताना है दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं तो दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं हमारा अगस्त माह का जो करंट आउटलुक है वो आज आपको बारह बजे ठीक है एज इट इज़ बारह बजे आपको ये मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बारह बजे और इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम है वहां पर भी आपको इसकी जो लिंक है वो दे दी जाएगी तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा हमारा सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश के नोट्स हैं पच्चीस प्लस एम सी क्यूज़ हैं जो तो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर वाइज एम हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपकी तैयारी में इसके अलावा पुराना सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें सिक्स मंथ का मध्य प्रदेश करंट आउटलुक का एडिशन है जनवरी से लेके जून तक यानी कि अब आपको जनवरी से लेके पूरा अगस्त तक का करंट अफेयर मिल जाएगा ठीक है 2020 तक सितंबर पे मैंने काम शुरू आज से ही करूंगा मैं आपको सितंबर और अक्टूबर तक का करंट अफेयर इस महीने में दे दूंगा इसके अलावा कुछ रामबाण नोट विज्ञान के नोट्स कंप्लीट विज्ञान की संबली ये सारी है आप इनपे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इस वार कोड को स्कैन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला जो प्रश्न है मध्य एक नवंबर 2020 की स्थिति में वर्तमान कुल विद्युत क्षमता प्रतिदिन कितनी है यहां पे अगर बात करें तो इक्कीस मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन के हिसाब से अभी मध्य प्रदेश में है ठीक है तब तक एक नवंबर 2020 की स्थिति में ठीक है इक्कीस हजार दो सौ बीस मेगावाट ठीक है लगभग लगभग ट्वेंटी वन के मेगावाट ठीक है और मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में प्रदेश में सिंचाई के लिए भरपूर बिजली प्रदाय करने एवं बिजली की बचत के उद्देश्य से फ्लैक्सी प्लान लागू करने का एक निर्णय भी लिया है इस योजना के लागू होने से तरफ किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार भरपूर बिजली मिलती रहेगी वहीं प्रतिदिन दशमलव पांच हजार मेगावाट बिजली बचेगी जिससे प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रुपए की बचत होगी फ्लेक्सी प्लान में क्या है कि जरूरत के हिसाब से इसको लागू किया जाता है मतलब ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि आपको सुबह छह बजे से लेकर दस बजे तक ही लाइट देनी जब लोड ज्यादा होता है तो उस हिसाब से निर्भर करता है कि कितना लोड है उसके हिसाब से बिजली इसमें दी जाती है तो ये इस तरीके से फ्लेक्सी प्लान लागू करने का निर्णय अभी हाली में मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उन्होंने लिया है। अभी अगर हम बात करें टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ये मान लीजिए कि डेफिनेटली यहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है अगर स्त्रोत की बात करें तो इतने प्रकार के स्त्रोत हैं मध्य प्रदेश में और उनकी जो क्षमता है जैसे अगर राज्य थर्मल थर्मल की बात करें जहां पे कोयले को जलाकर बिजली को उत्पादन किया जाता है कोयले को कोयले को जला के पानी से भाप बनाई जाती है उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है तो चौवन मेगावाट क्षमता जो है वो इसकी है जल विद्युत की बात करें जल विद्युत जहाँ पे पानी को गिरा के टर्वाइंस चलाए जाते हैं ठीक है और इसमें पानी से ही बिजली बनाई जाती है आपकी एक तरीके से तो 917 मेगावाट क्षमता है संयुक्त तो उपक्रम और अन्य हाइड्रल ठीक है इसमें चौबीस मेगावाट क्षमता जो है वो मध्य प्रदेश की है इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनमें पांच हजार पचपन निजी क्षेत्र की जो इकाईया उनमें उन्नीस सौ बयालीस मेगावाट यूएम पी पी इसके अंतर्गत चौदह सौ पचासी नवकरणीय नवकरणी यानी कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है ये सारी आपकी नवकरणी में आती है तो ये उनतालीस मेगावाट कुल मिला के इक्कीस मेगावाट क्षमता अभी हाल में मध्य प्रदेश की है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को किन बीतवा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना से रबी फसल व पियाजल के लिए कितना पानी देने पर अपनी सहमति दी है एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें विवाद है एक्चुअल में है क्या मैं आपको थोड़ा सा विवाद बता देता हूं कि इसका अभी वैसे सही आंसर जो है वो है 700 सौ मिली घन मीटर एम सी एम ठीक है मिली सॉरी मिली नहीं मिलियन एक्चुअल में है, मिलियंस क्यूबिक मीटर ठीक है और जो डैम्स के अंदर जो पानी भरा होता है वो इसी यूनिट में मेजर किया जाता है मिलियंस क्यूबिक मीटर और एम सी एम इसको शॉर्ट में कहते हैं मिलियन घन मीटर इसको हिंदी में कहते हैं तो 700 मिलियन घन मीटर जो है वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को देना चाहता है लेकिन उत्तर प्रदेश चाहता है कि उसको करीब आई थिंक 900 प्लस या 930 थर्टी ऐसी कुछ है 930 थर्टी मिलियन घन मीटर पानी उसको रबी फसल और पेयजल के लिए दिया जाए तो ये पूरा विवाद एक्चुअल में घूम फिर के यहीं आता है तो मध्य प्रदेश अपनी इस बात पड़ा हुआ है कि जैसा कि पहले एमओयू हुआ था सात सौ मिली घन मीटर का तो हम हम उत्तर प्रदेश को उतना ही देंगे और उत्तर प्रदेश कह रहा है कि उसको थोड़ा सा उसकी जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाए तो पूरा विवाद घूम फिर के यही है जल संसाधन मंत्री है जो गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी इसमें पहल कर रहे हैं कई बार निपटारा इसका करने की कोशिश करी गई है लेकिन अभी तक इसका निपटारा पूरी तरीके से हो नहीं पाया तो अभी शिवराज सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को केन विधवा लिंक बहुउद्देशी परियोजना से इस बार की जो रवि फसल है और पेयजल है ठीक है उसके लिए सात सौ मिलियन मीटर पानी ही देगा ठीक है ये ध्यान रखिए काल के महीनों में यानी कि अब जो महीने आपके चलेंगे उनमें रबी फसल और पेयजल घन मीटर पानी देगा वर्ष दो हजार उन्नीस में भारत सरकार द्वारा केन बेतवा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था एवं इसके वित्त पोषण हेतु नब्बे दस के अनुपात में केंद्र व संबंधित राज्यों के मध्य आधार सुनिश्चित किया गया था परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में है केंद्रीय जल मंत्री हैं। शेखावत यहां पर अगर बात करें थे हम केन बेतवा लिंग परियोजना जो है वो 25 अगस्त 2005 ठीक है तो 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत करी गई थी क्योंकि केन और बेतवा आपकी प्रायदीपी नदी हिमालयन रिवर्स ये नहीं है नदी है इसका इसकी जो शुरुआत है वो अमृत क्रांति के नाम से करी गई थी ध्यान रखिए अमृत क्रांति के नाम से इस परियोजना की शुरुआत करी गई थी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केन और बेतवा नदी को इसमें जोड़ा जाना है और इससे करीब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के करीब आठ दशमलव आठ एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जो सुविधा है वो मिलेगी इसके अलावा मेनली सिंचाई के लिए ही है बाकी इस पर बहत्तर मेगावाट की बिजली जनरेट करी जाएगी ठीक है जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा ध्यान रखिए जल विद्युत जिसपे टर्बाइन चला के डैम बनाए जाते हैं उससे फिर टर्बाइन चलाए जाते हैं फिर बिजली बनाई जाती है और वर्ष 2017 है मैं आपको बता दूं मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें एक बांध बनाया गया है दौधन बांध ध्यान रखिए कौन सा बांध दोन बांधे बनाया गया है ठीक है और एक दो किलोमीटर एक लंबी नहर भी इस पर बनाई गई है दूसरी अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अकेली परियोजना नहीं है मध्य प्रदेश में एक नर्मदा चुप्रा लिंक भी परियोजना है ठीक है नर्मदा चुप्रा लिंक परियोजना नर्मदा चप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत 2012 में की गई थी ठीक है ध्यान रखिए 2012 में करी गई थी और इसमें क्या है नर्मदा से पानी शिप्रा में लेके आना है तो जो ओंकारेश्वर डैम है ठीक है खंडवा का जो पुनाशा का ओमकारेश्वर डैम है ठीक है इस ओंकारेश्वर डैम से नर्मदा का जो पानी है वो शिप्रा नदी में लेके आना है तो इससे करीब 16 लाख एकड़ क्षेत्र 16 लाख एकड़ हेक्टेयर नहीं है पर तो 16 लाख एकड़ क्षेत्र इससे आपका सिंचित होगा दूसरी एक और परियोजना है मध्य प्रदेश में जिसको नर्मदा माल नर्मदा गंभीर सॉरी नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है इसको 2014 में प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है ध्यान रखिए 2017 जून 2014, 2014 को इसको प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी इसमें कुल जो लागत है वो <coughs> सॉरी इक्कीस या लगभग साढ़े इक्कीस करोड़ रुपए की जो लागत है वो इसके अंतर्गत आएगी इंदौर और उज्जैन ये दो प्रमुख जिले हैं जो इससे लाभान्वित होंगे तो ये पूरा स्ट्रेटेजी संबंधित आपका हो जाएगा आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सुरौज से पूर्व विधायक गोवर्धन उपाध्याय का निधन हो गया उनका संबंध किस दल से था तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ही रहे थे विदिशा जिले की जो सुरौज लटेरी विधानसभा है वहां से ठीक है और लक्ष्मीकांत शर्मा जो थे जो व्यापम घोटाले में फंसे थे आपको नाम याद हो गया होगा या भूल गए होंगे आप एक बार उन्होंने इनको हराया था उसके बाद एक बार इनने उनको हराया था ठीक है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है गोवर्धन उपाध्याय ठीक है ठीके? पूर्व विधायक का अगर किसी का निधन होता है तो आप ये मान लीजिए कि व्यापम में एक प्रश्न वहां से बनता ही बनता है तो मैं जितने भी विधायकों के निधन हुए हैं पूर्व विधायक या करंट विधायक वहां से काफी प्रश्न आपके बनने वाले हैं ठीक है उन्नीस इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था इसके बाद पचासी में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम गर्ग को हराकर पहली बार विधायक बने थे तो ये पूरी कहानी हो जाएगी इनकी अगला है प्रदेश में पहली बार अड़सठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा आपको पता है लिफ्ट परियोजनाएं चल रही हैं आजकल ठीक है पानी जो है बड़ी बड़ी मोटर्स के माध्यम से ऊपर पहुंचाया जाता है ठीक है और मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और अगर वो पानी ऊंची सतह पर पहुंचाया जा रहा है कहीं या एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाई जा रही है जो जिला थोड़ा सा समुद्र तल से ऊंचा है तो उसको लिफ्ट परियोजना कहने लगते हैं प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के निरंतर विकास के चलते इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में दो लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ये कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो लक्ष्य क्या है दो लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में इसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा जो योजना है उससे करीब बीस हजार हेक्टेयर टीकमगढ़ जिले की वाण योजना है जिससे तैतीस हजार हेक्टेयर हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है ये मैंने केवल यहाँ पे कंटेंट लिया है ताकि आपको पता चले राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है जिसको अटल परियोजनाओं के नाम नाम से नाम से जाना जाता है किस नदी पर है नेवज नदी पर है और आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का ठीक है और कब लोकार्पण किया था ये लोकार्पण किया, किया था उन्होंने दो में ठीक है आई थिंक जून 2018 में इसका लोकार्पण उन्होंने किया था ठीक है और नेवज नदी पर इस पर करीब सतहत्तर मीटर साढ़े सतहत्तर मीटर ऊंचा एक बांध भी इस पर बनाया गया है। जिसकी लंबाई चार सौ छप्पन डैम बनाया गया है अगर टोटल जल संग्रहण क्षमता की बात करें तो करीब इकसठ दशमलव तिरसठ करोड़ घन मीटर ठीक है वहां पे मिलियन था यहां पे देखिए करोड़ है इकसठ दशमलव तिरसठ करोड़ घनीमीटर इसकी जो मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी इतनी है इसके अलावा मंदसौर जिले में है आपकी ग्रौट परियोजना ठीक है और इसी प्रकार से पेज परियोजना छिंदवाड़ा सिवनी बाणसागर त्यौथर परियोजना रीबा पारसडो परियोजना आपकी बैतूल इंदौख परियोजना आपकी उज्जैन ठीक है तो इस तरीके से नाम जरूर आप याद रख लें जो क्योंकि जो करंट में न्यूज में होती हैं वो आपकी करंट अफेयर्स में पूछी जाती है ठीक है ये ध्यान रखिए नेक्स्ट है अभी हाल में मध्य प्रदेश के जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री है, मंत्री हैं उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं इन्होंने ओम प्रकाश सखलेचा इन्होंने भोपाल में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है और प्लास रेजिडेंसी जो है उसमें ये संपन्न हुई थी और इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की रिसर्च विकास को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से जोड़कर छोटी इकाइयों का विस्तार करने का निर्णय लिया है जो देश के लिए भी एक मॉडल के रूप में प्रेरणा देगा तो गाइज ये पूरा था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो वीडियो को अगर अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दीजिए शेयर कर दीजिए वीडियो को थैंक यू वेरी मच